आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो चुका है, मगर हमें ये बात याद रखना है कि जम्मू कश्मीर का इतिहास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। जम्मू कश्मीर में अलग संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ पहला आंदोलन खड़ा करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। उनके द्वारा शुरू किए गए प्रजा परिषद आंदोलन के साथ सारा देश खड़ा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक थे। उनकी श्रेष्ठता को उनके मित्र और उनके विरोधी दोनों ही स्वीकार करते थे। वे भारत की पहली निर्वाचित संसद में विपक्ष के प्रमुख नेता थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल का गठन करने के लिए ओडिशा की गणतंत्र परिषद, पंजाब के अकाली दल, हिंदू महासभा और अनेक निर्दलीय सांसदों सहित कई छोटी छोटी पार्टियों को एक करने का काम किया। राजनेता के रूप में उनकी कार्यकुशलता, संसदीय समझ, वाक्पटुता और देश की समस्याओं के प्रति उनकी गहन सूझबूझ और रचनात्मक दृष्टिकोण के कारण उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में संसद का शेर कहा जाता था। देश में सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही जम्मू कश्मीर के अलग झंडे, अलग प्रधानमंत्री और अलग संविधान का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 को लेकर शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू से निरंतर पत्र व्यवहार किया। जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की जिद के चलते उस समय अनुच्छेद 370 का कोई समाधान नहीं निकल पाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत की संकल्पना में विश्वास रखते थे, इसलिए 1953 में उन्होंने एक नारा बुलंद किया, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। देखते ही देखते सारे देश में ये नारा लोकप्रिय हो गया। डॉक्टर मुखर्जी का कहना था कि जम्मू कश्मीर राज्य का शासन भी भारत के संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए। उन दिनों भारत के दूसरे राज्यों से जो लोग जम्मू कश्मीर जाते थे उन्हें परमिट लेना पड़ता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था कि जम्मू कश्मीर भी स्वतंत्र भारत का हिस्सा है, इसलिए वहाँ भारत का कोई भी नागरिक जा सकता है, रह सकता है और कारोबार कर सकता है। 8 मई 1953 की सुबह 6:30 बजे वे दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर जम्मू के लिए निकल पड़े। रास्ते में जहाँ भी ट्रेन रुकती, हजारों लोगों की भीड़ उनका अभिनंदन करने के लिए स्टेशन पर उमड़ पड़ती। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर देश के सभी राजनीतिक दलों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का समर्थन किया। विपक्ष के नेताओं में सुचेता कृपलानी, मास्टर तारा सिंह, जेबी कृपलानी, एनसी चटर्जी, बाबू राम नारायण सिंह, स्वामी करपात्री जी महाराज और एनबी खरे जैसे राजनेता जम्मू कश्मीर सत्याग्रह आंदोलन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ खड़े थे। 11 मई 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की परमिट व्यवस्था को तोड़कर जम्मू कश्मीर सीमा में प्रवेश किया और इसके बाद शेख अब्दुल्ला की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सारे देश में जम्मू कश्मीर सत्याग्रह का आंदोलन और तेज हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब श्रीनगर में बंदी थे, उसके कुछ समय बाद ही जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री केएन काटजू जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे, मगर किसी ने भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं ली और न ही शेख अब्दुल्ला सरकार से उन्हें रिहा करने के बारे में कहा। अब्दुल्ला सरकार ने उन्हें न्यायालय में भी नहीं पेश किया। 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। देश भर से उनकी संदिग्ध मृत्यु की जाँच की मांग उठी, मगर तत्कालीन सरकार ने उनकी मृत्यु के कारणों की जाँच के लिए किसी आयोग का भी गठन नहीं किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कृतज्ञ राष्ट्र सदियों तक याद रखेगा। भारत माता के सच्चे सपूत के तौर पर वे सभी भारतीयों के दिलों पर अनंत काल तक बसे रहेंगे।